दिखा रही हूँ मैं भाभी के घर का हाउस टूर। तो सब लोगों ने बहुत पहले बोला था, मैंने कहा चलो आज करा देती हूँ। तो शुरुआत कर देती हूँ यहाँ से। इन्होंने अपनी टीवी के लिए ये बनाया हुआ है, इन्होंने अपनी टीवी के लिए यह कैबिनेट बनवाया हुआ है। और उसके ऊपर भाभी ने यहाँ पे ये देखो, ये छोटे छोटे से गमले, इधर ये बल अभी लेके आई है दीपावली पे, ये सजाने के लिए पानी भर के, क्या बोलते हैं, बांस का जो रहता है वो लगाया हुआ है। इधर एक छोटू सा गमला, और ये गमले दोनों पिछली बार दीपावली पर मेरठ से लिए थे। यहाँ इन्होंने ताजमहल रखा हुआ है एक लाकर के छोटा सा। उसके बाद यहाँ इनका टीवी लगा हुआ है दरवाजे के जस्ट पास में ही ड्राइंग रूम में। और बाकी के बस वही छोटे छोटे स्पीकर, एक ये छोटा सा कछुआ लेके आई थी अभी भाभी दीपावली में। और उसके बाद में यहाँ पे वही स्पीकर है, यहाँ पे ये दो इन्होंने इसमें फ्लावर पॉट रख रखे हैं ये दोनों तरफ को। उसके बाद में जस्ट इसी के सामने इधर की साइड में यहाँ पे है इनका दीवान, और दीवान पे इस तरीके से भाभी ने तकिया सजाई हुई है। ये मैंने भी तकिया बनाई हुई नहीं है, बनाई हुई है मतलब अभी उनमें ये नहीं भरा है, ये तो भाभी ने बनाई है, कह रही है तो मैंने बनाई है और भाभी ने बनाई, लेकिन मैंने भी बना रखी है, लेकिन मेरी के अंदर ये नहीं भरा गया है। कॉटन जो भरते हैं, जब भरेंगे तब मैं आप लोगों का वीडियो दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। और उसके साथ में भाभी ने यहाँ सोफा बनाया हुआ है, और ये दो एक ये यहाँ रखा हुआ है गमला इन्होंने, यहाँ पे देखिए ये सजा रखा है इन्होंने। और उसके बाद में भाभी रख सकती है, बच्चे नहीं ना, छोटे बच्चे बड़े हो गए भाभी के। यहाँ इन्होंने ऐसे सोफे लगाए हुए हैं, सोफे के ये देखिए, ये भी टेबल लगा करके अच्छे से सजाया हुआ है यहाँ पे दीपावली का पूरा, ये पत्थर वगैरह लगा करके। यहाँ भाभी ने ये वाला मेरठ से लेके आए थे हम पिछले बार। और उसके बाद भाभी ने यहाँ पे ये सोफे लगा करके, यहाँ जस्ट पास में देखिए ये गणपति जी भाभी ने यहाँ लगाए हुए हैं, जो कि अपने आप ही ये जो मिट्टी का है इसके ऊपर बनाए हुए हैं ये पूरा सजाए हुए। और एक ये झुंड लगाया हुआ है क्या बोलते हैं पता नहीं, हम झुंड जैसा ही, हम लोग तो झुंड ही बोलते हैं इसे। ये एक भाभी ने यहाँ पे सजाया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से है ड्राइंग रूम। भाभी ने यहाँ पे ये सीनरी लगाई हुई है, ये भी खुद ही बनाई हुई है ये वाले देखो। यहाँ पे ये कान्हा जी की लगी हुई है, और उसके पास में इधर की साइड में गणेश जी की है, ये भी दोनों खूब अच्छी बड़ी बड़ी है। ये वाली दो सीनरी बनाई हुई है, अपने आप ही डेकोरेट की हुई है। उसके बाद में सामने ही पड़ जाती है फिर यहाँ से किचन, और इधर साइड में भाभी ने ये इन्वर्टर का ट्रॉली रखा हुआ है, जैसे हमारा है इन्हीं का देख के हमने अपना इन्वर्टर का ट्रॉली बनवाया था, पहले भाभी ने बनवाया था तो इनका देख कर के हमने भी बनवाया है यहाँ पे किचन में, जस्ट क्योंकि इनकी ओपन वाली किचन है। यहाँ से हमारी किचन का जो दरवाजा वैसे इनका इस तरीके से ओपन वाला है, और इस तरीके यहाँ पे भाभी ने बाथरूम है यहाँ पे इस तरीके को, वो भी भाभी ने बनाया हुआ ये वाला ऐसे दिखा देना, ये बाथरूम है यहाँ से हॉल के साथ में एक भाभी का। और उसके बाद में किचन में यहाँ पे भी ये भी मिट्टी का जो होता है ना, जैसे घड़ा होता है उस टाइप का ही था, ये भी अपने आप डेकोरेट करके सजा के पूरा गमला। और ये इनका सूरज है जो कि पता नहीं चलता है बिल्कुल, इन्हीं का देख के मैंने भी अपना बनवाया था, क्योंकि सारे काम पहले इन्होंने करे हैं, उसके बाद में मैंने किचन इस तरीके से। किचन का अगर ऐसे ही मैं दिखा देती हूँ आप लोग बोलोगे तब किचन का टूर अलग से करवा दूंगी, बाकी का एक बार मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर किचन में मंदिर भाभी ने यहाँ लगाया हुआ है नीचे इस जगह पे, मंदिर है ये पूरा अच्छे से सजा रखा है, क्योंकि दीपावली है तो अभी देखो अच्छे से पूरा लगा के। और फ्रिज भी यही बराबर में ही रखा हुआ है ये वाला, फ्रिज के ऊपर भी भाभी ने बहुत सारे गमले देखिए ले रखे हैं, गमले सजा रखे हैं खूब सारे, जो कि मैंने नहीं सजा रखे हैं ना, भाभी के घर में बहुत सारे हैं ये पूरा अच्छे से। बाकी का तो ये खोल के कपड़ वगैरह मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि तभी किचन टूर में दिखाऊंगी, बाकी का अच्छे से इन्होंने सब लगाया हुआ है इस साइड में। किचन बहुत बड़ी है इनकी, और बाकी इधर गैस का चूल्हा है, इसके ऊपर चिमनी लगाई हुई है ये, और मतलब अच्छा काम अपने आप से ही इन्होंने खुद कराया था इसमें, बहुत अच्छा किचन, बहुत अच्छी खुली और एकदम बड़ी है। हमारी थोड़ी छोटी भाभी की अच्छी बड़ी किचन है, तो यहाँ से उसके बाद में देखे चलते हैं रूम की तरफ को, इस तरफ को, क्योंकि हॉल के सामने एक किचन है। और उसके बाद में पहले आते हैं इधर रूम में, यहाँ पे भी देखो भाभी ने पूरे ये सब लगाए हुए हैं, यहाँ ये सजाए हुए हैं इस तरीके से देखो, जो मैंने दरवाजे पे ऐसे भाभी ने यहाँ लगाए हुए हैं, बाकी किचन के उसमें भी इस तरीके से सजाया हुआ है पर्दे के साथ में। और उसके बाद में आते हैं, मैं भूल जाती हूँ, बाद में आता था ना तब दिखाती हूँ। फिर आगे इधर सजा के सब पूरा रूम में, तो रूम में भी यहाँ एंट्री करेंगे तो सामने ही बेड है। उसके बाद में
यहाँ बेड है, बेड के बराबर में भी भाभी ने यहाँ पे ये टेबल वगैरह रख के देखिए, यहाँ पे भी पूरा एक सजाया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे इनकी लोहे की जो अलमीरा है वो रखी हुई है भाभी की साथ साथ में ही, और उसके बाद में ये लकड़ी की अलमीरा पूरी बनवाई हुई है यहाँ पे देखिए, नीचे से ऊपर तक पूरी अच्छे से, इधर भी यहाँ पे दरवाजे के यहाँ पे भी मतलब पूरे में बनवाई हुई है ये इस तरीके से नीचे से ऊपर तक, और अच्छी भी रहती है। सारा सामान ऊपर स्टॉक वैसा कर लीजिए, एकदम बड़ी है। और बेड के जस्ट सामने ही ड्रेसिंग है भाभी का, और देख रहे होंगे इसको सूट कर रही है तो वो भी दिख रही है। यहाँ पे भी भाभी ने एक ये रखा हुआ है पेड़, यहाँ पे गमला रखा हुआ है, एक इधर साइड में रखा हुआ है, यहाँ पर दो एक साइड में लगाए हुए हैं इस तरीके से। और बाकी का खूब सीनरी यहाँ पे देखिए भाभी की है, भैया की सीनरी है, भाभी की उस टाइम की है तभी श्रीनगर पोस्टिंग रहे थे भैया तब की है। उसके बाद में इस साइड में इनकी है बालकनी रूम के साथ में ही यहाँ पे, अभी दिखाऊंगी तो पूरा रात हो रखी है तो अंधेरा हो रखा होगा, मतलब यहाँ पे बालकनी है भाभी की। और बाकी की एसी लगाया हुआ है उन्होंने अपने रूम में, ये देखिए इस तरीके से लाइट लगाई हुई है, ये भी ऑनलाइन मंगाई थी ये वाली लाइट भी इन्होंने, अच्छा अपना रूम सजाया हुआ है। और सामने ही घड़ी भी लगाई हुई है, एक सीनरी इन्होंने इधर लगाई हुई है राधा कृष्ण जी की कमरे में, यहाँ पे देखिए एक सीनरी इधर लग रही है। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी इन्होंने अपना ये पूरा सो सजाया हुआ है, ये भैया को कुछ मिला था स्कूल की तरफ से, उनको मतलब सम्मानित किया गया था तो वो कुछ उनका रखा हुआ है। बाकी का ड्रेसिंग टेबल में तो सारा वो आपको पता ही, वही सारी चीजें रखी हुई होती है, तो ये सब उन्होंने ड्रेसिंग टेबल लगाया हुआ है अपना यहाँ पे। चलते हैं अब दूसरे वाले रूम में, क्योंकि इसमें और कुछ छूट गया होगा तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अब दूसरे रूम में दिखाती हूँ, जस्ट उसके ही थोड़ा सा साइड में यहाँ पे भाभी ने ये अपना वही शीशा वगैरह से भी वगैरह करने के लिए ये सब लगाया है। और एक बाथरूम इधर है इनका, यहाँ पर देखिए ये रहा, एक वहां दिखाया था, एक ये वाला बाथरूम है, खूब अच्छा बड़ा है बाथरूम ये भी इनका, गीजर वगैरह सारा सब कुछ लगाया हुआ है, वॉशिंग मशीन भी इसी के अंदर रखी हुई है उन्होंने। तो एक बाथरूम इधर आ गया, उसके बाद जस्ट ये वाला बच्चों का रूम हो गया। तो आज सिद्धू वीडियो देखेगा तो सारी चीजें ये देखिए, सबसे पहले दिखाती हूँ ये वाली सीनरी जो भाभी के छोटे वाले बेटे ने ये बनाई है खुद से पेंट करके, देखो कितनी सुंदर सीनरी बनाई है, बहुत सुंदर है सच में, बहुत मेहनत करके। और उधर ऊपर लाइट भी अपने आप ऑनलाइन मंगाई है, ये इस तरीके की डिजाइन वाली जो लाइट है वो मंगाई हुई है। और ये वाली देखिए यहाँ पे भी ये वॉलपेपर होते हैं ऑनलाइन लेकर के छोटे वाले बेटे ने, उनके ने सारी ये सिद्धू ने लगाई हुई है अपनी दीवार पे इस तरीके से। यहाँ पे जो कम दरवाजा है इनका, एक बालकनी इधर है हॉल से, और ये वाले रूम से लंबी ही बालकनी है क्योंकि टू साइड कॉर्नर है भाभी का। उसके बाद में यहाँ पे बेड डाला हुआ है और बच्चे इस टाइम पे है नहीं है। एक सीनरी देखिए वहां छोटी सी, यहाँ दिखा रही हूँ ये भी सिद्धू ने खुद से ही बनाई है, यहाँ पे ये इस और पास से दिखा रही है अच्छे से दिख जाएगी, बहुत सुंदर सी है। एक उस साइड में बनाई हुई है ये वाली भी उसने खुद ही बनाई है अपने आप ही, कितनी सुंदर घर में ही पेंटिंग बना लेता है देखो। और उसके ऊपर जस्ट घड़ी लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे, और टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है। और इधर बच्चों की इधर अलमारी है कमरे में, बच्चों के कमरे में भी इधर यहाँ साइड में अलमारी दी हुई है। ये एक शोकेस इनके कमरे में बच्चों के भी, यहाँ पे पूरा उनके सामान, यहाँ पे भी देखो इन्होंने भाभी ने ये पूरा यहाँ पे भी एक गमला, ये भी मिट्टी का ही है पूरा अच्छे से सजा के अपने आप तैयार किया, ये रखा हुआ है। बाकी का इसमें सब बच्चों का ही अपने सामान है वो रखे हैं, टेबल लैंप है बच्चों के जैसे यहाँ पे पढ़ाई वगैरह करना है, दोनों बेटे भी यहाँ पे है नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए एक एलईडी उसने अपने यहाँ रूम में लगाई हुई है, बच्चों ने अपने लिए भी कि भाई कुछ देखना करना है तो अपने आप ही गेम खेलना है जो भी है, बच्चों ने एक एलईडी यहाँ पे लगी हुई है देखिए, शोकेस वगैरह ये। फिर साइड में ये कंप्यूटर टेबल है, ये चेयर यहाँ पे कंप्यूटर है जो ये ढक रखा है क्योंकि है नहीं है तो फिर वही डस्ट वगैरह चढ़ती है, इसमें भी उनकी बुक वगैरह अपनी रखी है नीचे अपना, वही कंप्यूटर का जो सीपीयू वगैरह सारा सामान तो कंप्यूटर टेबल का ये सारा है, ये पढ़ने का है दोनों बच्चों का, ये वाला रूम हो गया। उधर भी लाइट उसने लगाई हुई है अपने हिसाब से, बच्चों ने तैयार कर रखा है अपना कमरा देखिए, अपनी जो जो उन्हें लाइट पसंद रहती है उसी हिसाब से, क्योंकि आजकल तो बच्चे ही अपना रूम अपने आप तैयार कर लेते हैं। ये भाभी ये है मेरे की, आप बोलोगे हाउस टूर तो करा दिया, मालिक से तो मिलवा रही नहीं, इसलिए ये है भाभी जिनका किचन गार्डन भी मैंने आपको दिखाया। पहले तो जितने मेरी वीडियो देखते हैं सब भाभी को जानते हैं, सब मिले हुए, लेकिन अब बहुत सारे जो जुड़े हैं शायद भाभी को नहीं जानते क्योंकि मैंने अभी तक भाभी के बारे में बताया नहीं,
लेकिन हाँ बहुत जल्दी ही वीडियो लेके आने वाली हूँ भाभी के साथ में। और भाभी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है वो अभी मैं बताने वाली हूँ आगे, इसी वजह से आज तो इतना ही बताऊंगी कि ये है भाभी, इनका घर था, इन्हीं का हाउस टूर मैंने आपको कराया है। क्योंकि बहुत पहले से कई लोगों ने भी बोला कि दीदी भाभी का हाउस टूर भी करा दीजिए, तो इस वजह से मैंने कराया। कैसा लगा है भाभी का घर आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और बहुत अच्छे से उन्होंने सजाया हुआ, किचन के कबर्ड वगैरह मैंने खोल के नहीं दिखाया। मुझे पता है बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अलमारी खोल के नहीं दिखाइए और कबर्ड वगैरह किचन के वो सब भी नहीं दिखाए। तो अगर आप बोलोगे तो किचन का टूर अलग से करा दूंगी मैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इस वजह से ये सब पॉसिबल नहीं था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।